इंडिया में हर साल स्नेक बाइट के कारण 65,000 लोगों की डेथ हो जाती है। मॉनसून का सीजन आ चुका है और स्नेक सूखी जगह की तलाश में और आसपास बहुत ज्यादा खाने की अवेलेबिलिटी होने के कारण बाहर निकलने वाले। इंडिया में ऑलमोस्ट 300 स्पीसीज है स्नेक के और ज्यादातर नॉन वेनोमस है। इंडिया में 90% से ज्यादा मौत इन चार सांपों की वजह से होता है और ये चार स्नेक बहुत कॉमन है। आपने बहुत देखा होगा आसपास कॉमन क्रेक भाई, रात को निकलता है अंधेरे में चुपके से घर में घुसता है, कोई सो रहा है उसके पैर में बाइट करके चला जाएगा। और इससे मिलता जुलता एक और स्नेक है जो घर में बहुत कॉमन है, इसमें जहर नहीं पाया जाता, कॉमन और ये है कॉमन क्रेच। दूसरे नंबर पे जो है वो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और ये बहुत कॉमन है इंडिया में। लोकल लैंग्वेज में इसको नाक बोलते हैं, बांग्ला केवटोशा बोले। रसल्स वाइपर, ये बहुत जोर से सीटी वगैरह मारता है। बहुत लोग इसको पाइथन समझने की गलती करते हैं, इसके बॉडी पे ये सर्कल है उसके बॉडी पे नहीं है। और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर, छोटा सा सांप है पर बहुत खतरनाक है। एक तो कुछ लोग ओझा और झाड़फूंक के चक्कर में चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बाइट करता है तो विद इन 1 आवर एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल के लिए निकल जाओ, और अगर पॉसिबल है तो स्नेक की फोटो भी ले लेना, डॉक्टर को आसानी होगी मेडिसिन देने में।